अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम मुरादाबादी बिरयानी बना रहे, किसी की रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट पूरी कर रहे। पाउना की ये देखो, ये है ना, एक किलो चिकन है, इसको धो धा के एकदम साफ करके लिए हैं, और इसमें से असली घी डालेंगे 2 चम्मच और 2 चम्मच तेल डालेंगे, ये चमचा भर के डालेंगे। ये देखो, ये चमचा भर के डालेंगे, और ये 1/2 किलो दही, ये अदरक लहसुन है, 2 चम्मच अदरक अदरक है, 2 चम्मच लहसुन है, और ये टमाटर प्यूरी लिए हैं 3 चम्मच भर के, ये चम्मच, और ये इसके अंदर उबालने के लिए अखा लहसुन लिए हैं, और ऐसे कांदे लिए हैं, उसका ऊपर नीचे का डेट निकाल के, खाली थोड़ा सा ऊपर का चिल्टा निकाल के थोड़ा रख के लिए, उसका स्वाद उस अंदर तक जाने के लिए, और ये अदरक के टुकड़े 2 लिए हैं, और ये 4 कांदे 2 ये, और ये मिर्ची भी लिए, लहसुन लिए, ये अंदर उबालने के लिए डालेंगे। हम चिकन बिरयानी बना रहे मुरादाबादी। ये कांदे को, 4 कांदे को रिश्ता करके लिए इसकी पोटली बनाएंगे। ये 5 चम्मच धनिया है और 1 चम्मच बरीशोप है। बरीशोप हम लोग क्या ज़्यादा कोई खाता नहीं, आप 2 चम्मच 3 चम्मच ले लो आपको अगर पसंद है तो। इसमें से कलर डालेंगे, ये कोथमीर डालेंगे, ये जाफरान है दूध में भिगा हुआ, ये डालेंगे, इसमें से हरी मिर्ची डालेंगे, आपको चाहिए ज़्यादा डालो, आपको चाहिए ऐसे आधी डालो, और इसमें ये साजीरा बघारने के लिए साजीरा डालेंगे, और ये इतना गरम मसाला आधा इसमें डालेंगे, आधा बघारने में डालेंगे, और इसी पोटली बनाएंगे इसमें आधा डालेंगे। पुदीना है और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है। ये चावल है, ये चावल, ये 1/2 कप चावल है, पानी है और लगेगा। ये देखो, ये चिकन डालेंगे, ये चिकन डाले अभी इसके अंदर, ये देखो क्या डाल रहे हो, 4 कांदे 2 लहसुन 2 अदरक के टुकड़े और 4 मिर्ची। ये देखो बरीशोप भी डाले और 1/2 गरम मसाला डाले, अभी इसकी पोटली बना रहे, धनिया डाले, अक्की धनिया, अभी इसकी पोटली बना रहे। ये देखो इसी पोटली इसकी बनाएंगे। क्या थोड़ी ढीली बनाएंगे, हाँ अभी इसको धोके ले रहे। ये देखे, ये पोटली को धोके लिए पानी से, अभी इसमें डालेंगे, और इसमें पानी डालेंगे। ये देखो, ये 1 लीटर पानी डालेंगे, पानी डालेंगे इसमें, ये 1/2 नमक डालेंगे, चिकन ज़्यादा नहीं पकाने का, हाँ। ये देखो अभी ये पोटली है ना, ये देखो पोटली अंदर एक बाजू ऐसा करने का, और ऐसा चिकन इसके ऊपर रख देने का, क्योंकि चिकन को जल्दी गल जाता ना, इसलिए चिकन ज़्यादा नहीं पकाने का, एक उबल आ गया ना कि ये सब निकाल देंगे, और 2 चम्मच घी डालेंगे, अच्छा लगेगा, हाँ घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, असली घी का, नकली घी नहीं डालने का, या तो असली घी लो या तो तेल लो, अपन मूंगफली का तेल लेते हैं। देखो अभी साजीरा डालेंगे, तेल डाले ना, तेल घी गरम हो गया, अभी साजीरा डालेंगे इसमें, साजीरा हो गया, अभी ये गरम मसाला डालेंगे, अभी गरम मसाला अच्छे से भुनेंगे। ये देखो ये मिर्ची ऐसे तोड़ तोड़ के डालेंगे, अभी देखिए अभी ये अदरक लहसुन है ना, 4 चम्मच डालेंगे, क्योंकि इसमें दूसरे मसाले नहीं है तो अदरक लहसुन को ज़्यादा लेंगे, अभी वो लहसुन का पानी लेने का है, और लहसुन को छिलके निकाल के उसके बीच लेने की। ये टमाटर प्यूरी का अभी मैंने वीडियो डाली हूँ, आप देखो, और ऐसा बना के रखो, टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं ना, इसके लिए सस्ते आए तो ऐसे टमाटर प्यूरी बना के रखो तो काम आएगी आपकी। इसको भी अच्छे से भुनेंगे, हाँ ये 2 चम्मच भर के टमाटर प्यूरी लिए। ये देखो ये पुदीना डालेंगे और ये कोथमीर डालेंगे, इसको भी अच्छे से भुनेंगे।
ये देखो आधा नमक उसमें डाले पानी में, आधा इसमें डाले। हाँ नमक डेढ़ चम्मच नमक लिए थे। हाँ अब ये नमक डाले, अब ये दही डाले, आधा किलो दही डाले उसमें। ऐसा बनाओ खाओ, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये देखो चिकन को उबल आ गया, अभी चिकन निकाल के ले लेंगे और पानी को इसमें रखेंगे चावल पकने में। हाँ ये देखो ये पोटली है ना, ये देखो ऐसे दबा दबा के लेंगे, उसका पानी पूरा निकाल के लेंगे। देखे अभी ये लहसुन पूरा पक गया है। हाँ इसको भी अच्छा दबा के लेंगे और फिर इसका बीज है ना इसके अंदर डालेंगे, छिलटा फेंक देंगे, कांदा नहीं लेंगे। हाँ ये देखो कांदा इसमें डालेंगे, ये लहसुन को ऐसा दबा दबा के लेंगे इसमें डालेंगे। ये देखो ये चिकन है, इसको ज़्यादा नहीं पकाते, और मटन का रहेगा ना तो ज़्यादा एक सीटी लेने का कुकर में और ये लेने का। अभी खाली चिकन निकाल के हाँ इसमें मसाले में डाल के भून रहे। ये देखे अभी ये चिकन का जो पानी है ना उसके अंदर ये राइस बनाएंगे, और चिकन एक तरफ सूखने के लिए रखे, मसाला लगा के दही वही डाल के सूखने के रख। इधर देखो चिकन के स्टॉक में चावल पकाने रखे, अभी ये चिकन मसाले में सूखा होने को रखे हैं बिरयानी के थर लगाने के लिए, बारीक आंच पे सूखने के लिए रखे हैं। ये सूखने के बाद ये करेंगे डालेंगे नमक, नमक हमने डाले थे वो कम हो गया इसलिए और नमक डाले, आप टेस्ट करके नमक डालो। ये देखे ये लहसुन जो उबले हुए थे ना उसका पानी इसमें अखनी में डाले और इसमें अखनी बनाए चावल बनाए, अभी ये लहसुन को हम छीले, अभी इसको ये तेल में तल रहे। ये देखो लहसुन मिर्ची फ्राई हो गई, अभी देखो हम कैसा डाल रहे हो, ये डाल देंगे। ये देखे तले में डालने का, उसमें और टेस्ट पूरे बिरयानी को टेस्ट आएगा अच्छे से। अभी हम बिरयानी के थर लगा रहे, ये देखो चावल कैसा, जीरा पुलाव, जीरा पुलाव और वो साजीरा पुलाव, साजीरा अंदर डाल के बघार दिए, चावल एकदम खुले खुले बनाए। अभी अभी इसमें डालेंगे और बिरयानी बना देंगे उसकी। नहीं ये देखो अभी ये बिरिस्ता डालेंगे, ये देखो ये कोथमीर डालेंगे, ये पुदीना डालेंगे, ये देखो ये जाफरान है ना दूध में पूरी ऐसी कला देंगे उसको, और ये कलाए अभी थोड़ा इसमें से डालेंगे, बाकी ऊपर डालेंगे। अभी देखो ये चिकन डालेंगे, ये तेल थोड़ा डालेंगे, देखो अभी ये जमाए, अभी इसके ऊपर ही चावल डालेंगे। ये देखो चावल डाले, पुदीना डाले, अभी कोथमीर डाल रहे, अभी ये कांदा डाल रहे, थोड़ा सा कांदा सब करने के लिए रखेंगे, ऐसा खड्डा करेंगे, कलर डालने का है जाफरान डालने की। ये देखो ये कलर है, फूड कलर है, इसमें कलर नहीं डालते फिर भी हम डाल रहे अच्छा टेस्ट बढ़ने के लिए। अब ये जाफरान का दूध डाल रहे, ये देखो थर लगाए और अभी इसको ढक्कर रख के दम पे रखेंगे, हाँ स्लो आंच पे रखेंगे, हाँ ये 3 मिनट रखेंगे, क्योंकि जीरा पुलाव भी अच्छा साजीरा पुलाव पकेला है और चिकन भी पका हुआ है। हाँ गोश्त की बिरयानी को ज़्यादा टाइम लगता है, चिकन की बिरयानी को जल्दी हो जाती है। हाँ हाँ हम थोड़ा भूल गए थे, हाँ थोड़ा घी डालने के लिए भूल गए थे, पहले डाले थे शुरू में लेकिन अभी डालने के लिए भूल गए थे इसलिए थोड़ा घी डाले अच्छा टेस्ट आने के लिए। ये देखो बिरयानी बन के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी, अच्छी खुशबू आ रही है, अभी इसको हम सर्व कर रहे हैं। मुरादाबाद बिरयानी बन के तैयार है, ऐसी बनाओ खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज।